ये सर ऊपर जी बात करें अगर सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख तो रहे हैं कि अगर विदेशों की बात करी जाए तो विदेशों में सोयाबीन अच्छी खासी तेजी की ओर है। यूएस सोयाबीन की तरफ नज़र डालें तो यूएस सोयाबीन $1,452 पर ट्रेड करता नज़र आ रहा है आधे फीसदी की तेजी के साथ। अमेरिकी सोयाबीन वायदा बाजार आज तेजी की ओर है, $1,452 पर आधे फीसदी की तेजी है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना में भी देख रहे हैं कि उत्पादन के अनुमान के आंकड़े कम लगाए जा रहे हैं, पहले से जो उत्पादन के अनुमान था उसके आंकड़े में भी कटौती कर दी गई है खराब मौसम के चलते, सूखे के चलते। और मंडियों में भी देख रहे हैं जो आवकें हैं सोयाबीन की लगातार कम ही है। ऐसे में मजबूती के दौर के बीच सोयाबीन की जो कीमतें हैं भारत में देख रहे हैं उठ नहीं पा रही हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या आने वाले कारोबारी सप्ताह या फिर आने वाले कुछ महीनों में सोयाबीन में बढ़त देखने को मिल सकती है? देखिए बिल्कुल बढ़त आगे चलकर बन सकती है। देखिए मैंने पहले भी बताया था कि विदेशी बाजार तेज है और फंडामेंटल भी सपोर्टिव है, लेकिन हमारे यहाँ डोमेस्टिक में फिलहाल प्राइसेस जो है वो रेंज बाउंड रहेंगे, ना तो बहुत ज्यादा मंदी और ना ही बहुत ज्यादा तेजी बनेगी। लेकिन आगे चलकर एक्सपेक्टेड है कि तेजी आ सकती है सोयाबीन में। अभी जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं थोड़ा बहुत, और मार्केट अगर करेक्शन में जाता है वहां पर लॉन्ग टर्म होरिजन बाइंग का आप करके चल सकते हैं, क्योंकि जो सिनेरियो बनता हुआ दिखाई दे रहा है उसके चलते आगे आने वाले टाइम में तेजी बन सकती है जी। सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।